अब की बार कटहरी विधानसभा से यहाँ से भाजपा जीत सकती है। और हमारे बीच में धर्मराज इंदिरा जी बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि वो मिलनसार हैं, गरीब दुखिया कोई भी जाके उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, ऐसा है, योगी जी ने तो काज अगर देखा जाए तो जितने आज तक मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे अच्छा तो कोई नहीं हुआ है। धर्मराज जी ने साथ जीतेंगे, यहाँ पे जीतेंगे सरकार। इस समय जो है मौजूदा हालत में हर कास्ट के लोग कुछ ना कुछ जुड़ गए हैं, इसलिए धर्मराज निषाद का जो है वर्चस्व लहराएगा। चाहे सपा की सरकार हो बसपा की सरकार हो, यही दो सरकारें या इस विधानसभा पे रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे अभी तक गांव में रोड की व्यवस्था नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और आपको बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान हो गया और 13 नवंबर की तारीख तय की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इन चुनावी नतीजों का जो परिणाम है वो 23 नवंबर को आएगा। कटहरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये सपा और बसपा का गढ़ माना जाता है। आखिरी बार यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था वो साल 1991 में जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार 96-2-7 में बसपा ने यहाँ पे परचम लहराया। उसके अलावा 12 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना परचम लहराया, और फिर उसके बाद बसपा ने वापसी की 2017 में, और फिर उसके बाद में 2022 के चुनाव में जो है सपा ने फिर से वापसी की। 96-2007 के जो भरोसेमंद प्रत्याशी थे मायावती के धर्मराज निषाद, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। अकबरपुर विधानसभा सीट से जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। तो ऐसे में इस बार अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो लालजी वर्मा, जो कि 2017 और 22 में विधानसभा पहुंच चुके थे, 17 में वो बसपा सीट से और 22 में सपा सीट से वो चुनावी मैदान में पहुंचे थे, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव ने उन पर बड़ा भरोसा जताया था और लोकसभा का टिकट देकर उन्हें इस चुनावी मैदान में उतारा था, जहां से वो जीत दर्ज करते हुए अब संसद पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये सीट खाली है जहां पर अब लड़ाई बड़ी कांटेदार होने वाली है। आम जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कटहरी का क्या माहौल चल रहा है, और यहां देखेंगे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, समोसे गर्मा गर्म निकल रहे हैं, और ऐसे में हम इन लोगों से बातचीत करके इस माहौल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चाचा से, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, क्या माहौल है इस बार? देखिए, 91 में तो भाई कमल खिला था, उसके बाद तो ये सपा बसपा का पूरा गढ़ माना जाता है खास तौर से, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार के उपचुनाव में लड़ाई किसकी तरफ जा रही है? ऐसा है कि अब की बार चुनाव का माहौल जो है धर्मराज निषाद जी के आने से जो है यहाँ का परचम घूम गया, ताकि यहाँ आपने भी बोला कि ब्राह्मण और छत्रों का वोट कम है। हाँ जी, इसमें जो है ब्राह्मण छत्री तो देते ही हैं वोट हमेशा जो है, लेकिन इसमें जो है इस समय जो है मौजूदा हालत में हर कास्ट के लोग कुछ ना कुछ जुड़ गए हैं, इसलिए धर्मराज निषाद का जो है वर्चस्व लहराएगा। कमल का जो है पोजीशन अच्छा है, कमल का पोजीशन अच्छा है। मतलब अनुभवी खिलाड़ी को बीजेपी ने उतारा है मैदान में, तो इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला है। हाँ, अब की बार उसको बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, ताकि जो है आज के जमाने में जातीय समीकरण का मेन माध है लड़ाई है, और यहाँ ब्राह्मण और छत्री कम है, और यहाँ पर जो है गुमराह करके जनता घूम ही जाती इधर उधर। जो है सपा का जल्द हमेशा जो निकल जाता है सपा बसपा का, बीजेपी क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, जिस तरीके से उनका काम चल रहा है, लगातार 2 बार वो सत्ता में आ चुके हैं, क्या लग रहा है? उनका आना जाना भी यहाँ पर हुआ है, और शायद फिर से वो आए किसी सम्मेलन को लेकर के या कोई जनसभा करे, क्या लग रहा है, कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका? ऐसा है, योगी जी ने तो काज अगर देखा जाए तो जितने आज तक मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे अच्छा तो कोई नहीं हुआ है। हमेशा जो है उन्होंने गरीबों के पक्ष में बोले, भलाई किए। अब ये है जनता है जो है जनता है, लेकिन तब भी जो है योगी जी का जो है कार्यशैली अच्छी है, और जनता जो है हमेशा उनको लाइव करती है। अब सब 100% तो उनको लाइव नहीं करेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, कोई आदमी ज़्यादा, लेकिन ये है कि कटहरी विधानसभा से कमल का क्लियर है उसमें। मतलब आप लोग जो है 91 के बाद फिर से इतिहास लिखने जा रहे हैं। हाँ है? अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल मेरा आपका रहेगा कि योजनाओं को लेकर के अभी जो सरकार चल रही है जिस तरीके से, कैसा कामकाज चल रहा है योजनाओं को लेकर? योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन ये है गड़बड़ी तो ऊपर से नहीं, गड़बड़ी तो नीचे से है।
गरीबों में नहीं पहुंच पा रहा, गरीब चिल्लाता है इसी से। योगी जी तो अपने आप से जो जो होता है गरीबों के लिए करते ही है, जहाँ दिक्कत जो है उसको हम बता दिए, हमको किसी से पार्टी तो से या लड़ाई जो है मजेदार है और इस बार कमल का फूल खिलने को तैयार है। हाँ, आपकी बात। चलिए जाने वाले लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अभी कुछ ही सेकंड बाद गायब हो जाएंगे, इसलिए हम इनसे पहले बात करेंगे। जो बाकी जो बैठे हैं उनसे बातचीत होती रही है। क्या नाम है चाचा? वेद प्रकाश। अब ये जो भगवा कलर लेकर आप चल रहे हैं, दिल में भी ऐसा कुछ चल रहा है? इन्हीं के सदस्य भी हैं और इन्हीं को चाहते। कब बने हैं आप इसके? ये इस बार जो मोदी जी ने चालू किया था। अच्छा, मोदी जी ने जब मेंबरशिप चालू की है तो उस वक्त आप जो है मेंबर क्यों बने हैं? कुछ दिमाग में होगा आपके? हाँ, सोच के बने। आए, हमको अच्छा लग रहा है इनका काल और बाकी जो इनका जो भी कुछ है वो अच्छा लगता है आपको? इसी वजह से सरकार की कार्यशैली पसंद है मोदी और योगी की। अभी इस बार चुनाव है कटहरी में भाई, ये बसपा सपा रहने वाले हैं, रहते हैं ऐशबाग में, लखनऊ में। ऐशबाग लखनऊ रहते हैं। हाँ, दिनेश शर्मा जी जहाँ के अच्छा मंत्री थे, मुख्यमंत्री इसमें राज्यसभा में है। अच्छा, हाँ वहीं के रहने वाले हैं, रहते वहाँ हैं, मतलब जन्म स्थल ये। हाँ, आप अंदर ही रहते हैं क्या? काम नारायणपुर में नहीं रहते, तो लखनऊ में। ये बताइए कटहरी में वोट डालने आएंगे 13 तारीख? हाँ, आएंगे। अच्छा, परिवार का क्या माहौल है, किस तरीके के माहौल चल रहे हैं अभी घर में? आप तो खैर आपने भगवा तो ओढ़ी रखा है, ये पहचान दिखा दी भैया, देखो हम तो मेम्बर बन गए हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि घर में क्या माहौल चल रहा है अभी? घर का भी माहौल है यही है, जो छोटी मोटी चीजें थी मिल भी चुकी है और कुछ समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के लोग अधिकारी नहीं करने देते हैं। क्या अधिकारियों का क्या चल रहा है, मतलब किस तरीके से? मान लीजिए कई वर्षों से छप्पर का घर है, कॉलोनी की मांग हर प्रधान से की गई, कोई सुनता नहीं, हम अपनी शिकायत कहीं दर्ज करते नहीं है, समस्या ये भी है समझ लीजिए, हमने किसी को बताया भी नहीं। अच्छा, रहते लखनऊ में आप लोगों के जरिए बहुत काम हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपसे मैं मिला और आपने वो परेशानी शेयर की, उम्मीद है कि हो सकता है कि इस पर भी जो है कामकाज हो जाए। क्या नाम बताया आपने? वेद प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नारायणपुर पोस्ट सुनामा, जिला फैजाबाद, अम्बेडकर नगर। तो अभी इस बार कटहरी में लग रहा है कमल खिलेगा? हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा, बाकी सपा बसपा का जो हाल है वो क्या होने वाला है, जैसे जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी जो खिलाड़ी उतारा है वो भी अनुभवी है। उम्मीद तो यही है कि धर्मराज निषाद आगे जाएंगे। तो धर्मराज निषाद को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पहले से लोग उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, और यही वजह है। जी, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा तो मेवालाल नाम है भैया। क्या माहौल है इस सीट पर, किस तरीके का है? धर्मराज निषाद जीतेंगे यहाँ पे। जीतेंगे पक्का। अच्छा, अगर मैं उनके व्यक्तित्व की बात करूं, जैसे जिस तरीके से नेचर होता है, हर एक नेता अपने नेचर की वजह से ऐसे नेता है कि जो गरीब आदमी भी उनसे मिल सकता है। अच्छा, ऐसा है। और बहुत नेता हैं, उनको मिलने के लिए दिल्ली कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हैं या लखनऊ कहाँ जाएगा? अच्छा। तो ऐसे नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, उनके आने से बड़ी खुशी होगी। उनके आने से बड़ी खुशी, मतलब ये है कि आप लोग खुश हैं इस बात को लेके कि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो ठीक है? बहुत बढ़िया आदमी। ठीक है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा? बढ़िया सब लाभ है मिल रहा भैया। ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पी के भार्गव। भार्गव जी, क्या माहौल है अभी इस बार? धर्मराज निषाद एक पुराने खिलाड़ी हैं, मायावती के काफ़ी भरोसेमंद रह चुके हैं, लेकिन वो अब फिलहाल कमल का दामन थाम चुके हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, और इसके अलावा लालजी वर्मा, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे जो है यहाँ की जनता जो है ओबीसी जो है नेता चाहती है, और हमारे बीच में धर्मराज निषाद बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि वो मिलनसार हैं, गरीब दुखिया कोई भी जाके उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, उन अब कहीं भी बुला भी सकता है, इसलिए यहाँ की जनता ओबीसी भी अब की धर्मराज इसको जिता के विधानसभा में पहुँचाने का काम करेगी। दलित और मुस्लिम वोट की बात होती है तो ख़ास तौर से लोग ऐसा कहते हैं कि सपा और बसपा का ये कोर वोट बैंक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार ये वोटर्स भी कहीं ना कहीं धर्मराज निषाद की तरफ आ सकते हैं? क्योंकि देखिए, पार्टी ने जो नेता का चुनाव किया है बहुत सूझबूझ के किया है, क्योंकि इनका पैठ अनुसूचित जात में भी है और ओबीसी मुसलमानों में भी है। ठीक है, इसलिए उनका जो है इनमें भी बहुत बढ़िया पैठ है, मुसलमान भी देंगे और एससी वगैरह भी देंगे इनको, क्योंकि लोग इनको लाइक करते हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 2.5 साल का कार्यकाल जो है अभी विधानसभा का बचा हुआ है, और ऐसे में 2.5 साल बाद ही जो है मुख्य चुनाव होंगे, लड़ाई कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये मुख्य चुनाव की तरह ही है? देखिए, लड़ाई तो इस जो 27 वाली है उसी को देखते हुए जो है यहाँ पे कैंडिडेट उतारा गया है। ठीक है, इसलिए धर्मराज जी को
बहुत सोच विचार के कटेरी विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो ये है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है, लेकिन यह है कि पार्टी जो है धर्मराज जी यहाँ से विधायक बन के जाएंगे विधानसभा। बाकी सरकार का जो कामकाज है, कार्यभार है, जो भी योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, वो कैसा चल रहा है? हाँ, कार्यकाल तो अच्छा है, फिर भी 100% ग्रामीणों में लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसकी सुनने में ऐसा भी आता है कि शायद जो बीच की चीज़ें हैं, यानी कि बीच के लोग हैं, वो शायद कमीशन बेस वाले जो सिस्टम है वो सेट कर रखा है उन्होंने। अभी जैसे क्या है ना, राशन ले लीजिए, अभी भी राशन घटतौली हो रहा है। किस तरीके से सरकार तमाम तरह की जो है अपना प्रतिबंध लगा रही, लेकिन घटतौली बंद नहीं हो रही है। आप देखिए, सरकार को मैं चाहता हूँ सरकार इस पर किसी की तरह से फिर से जांच कराए कि घटतौली क्यों करते हैं लोग। कितना, मतलब 5 किलो पर व्यक्ति का है तो कितना कटता है? हाँ, कटते हैं। अब ये तो जनता अभी जब चेक करेगी सरकार, तो अपने आप जान जाएगी कितना कटता है। बाकी ये है कि इस बार जो लड़ाई है वो सरकार चाहती है किसी की घटतौली ना हो, लेकिन यहाँ पे कोटेदार घटतौली करते हैं। चलिए, ये शिकायत मुझे बहुत से पब्लिक ओपिनियन मिल चुका है कि ज़्यादातर करके जो है जो राशन की दुकानें हैं, खासतौर से राशन के जो कोटेदार हैं, तो वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर व्यक्ति जो 5 किलो सरकार भेजती है उस पर सिर्फ 4 किलो ही बांटा जाता है। हर जगह की ये शिकायत है, वो सिर्फ एक जगह की शिकायत नहीं है। बात करते हैं चाचा से, क्या नाम है चाचा? जगदीश नाम है। ये बताइए, क्या माहौल है अभी? इस बार कटहरी वाले जो है फिर से बटन दबाने जा रहे हैं। आखिरी बार आप लोगों ने जो है वही लास्ट टाइम किया था, वही मई जून में लोकसभा में। बढ़िया है। अभी क्या माहौल है इस बार का? माहौल ठीक है, और क्या। किसका माहौल नजर आ रहा है आपको? इन्हीं का रहा। और किस? वर्मा जी का है, निषाद जी का है? नहीं, निषाद जी का, वर्मा जी का कम है। अच्छा, वर्मा जी का कम है इस बार। निषाद जी का जो है लग रहा है कि धर्मराज निषाद जी जो है निकल फील करेंगे। योगी जी ने जो भरोसा जताया है इन पर, लग रहा है उम्मीद है कि आपको कि उस भरोसे पे खड़े उतरेंगे वो? अब देखो, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे कोई पता, भरोसा ना है ना लगाए तो ऐसे। ये है कि निषाद जी पे आपको भरोसा है? हाँ। कभी मिले जुले हैं उनसे आप? नहीं, मैं तो नहीं मिला हूँ। अच्छा, आप मिले नहीं है कभी? अच्छा अच्छा, कैसे नेता अगर पूछूं मैं? बढ़िया, जैसे मिलना जुलना एक होता है। बढ़िया नेता है, नेता है, आते जाते हैं क्षेत्र में आपके। चाय वाले भैया से बात कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं की दुकान पे चर्चा शुरू हुई थी। क्या नाम है? कर्मराज। क्या माहौल है? देखिए, वर्मा सपा बसपा ने खेल खेल दिया, निषाद को लेकर के भाजपा ने खेल खेल दिया, अभी लड़ाई क्या लग रहा है आपको? कैसी, कितनी मजेदार होने वाली है? इस बार का माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है, लड़ाई जो है सही चल रहा है। किसके पक्ष में जा रहा है? आपकी तो पक्ष जो है लग रहा है भाजपा के उत्तम जाएगा, भाजपा के पक्ष में जाएगा। उम्मीद तो ही लग रही है निषाद जी के पक्ष में। अच्छा, लग रहा है। तो अभी कामकाज कैसा चल रहा है? योगी जी की जो योजनाएं हैं, योगी जी का आना जाना तो ठीक है चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो रहा, हर व्यक्ति के हिसाब से उतना सही नहीं हो रहा। दुकान उकान ठीक ठाक चल रही है? हाँ, दुकान उकान सही चल रहा है, खुश है। अक्सर सरकार जो है बिजनेस वालों को बड़ा प्रमोट कर रही है, कई योजनाएं सरकार जो है व्यापारियों के लिए चला रही है, चाहे वो छोटे व्यापारी हों बड़े व्यापारी हों। आप लोगों को भी कुछ मिला है इस तरीके का कुछ लाभ? हमको तो कोई लाभ नहीं मिला, और क्या, हमको कुछ नहीं। खुश है कामकाज से? हम कामकाज से खुश है, लेकिन कुछ मिला नहीं हमको सरकारी योजना का लाभ। कोई एक लाभ मिल रहा है, राशन में। एक चाचा हमको बता रहे थे कि जो है 4 किलो ही मिलता है 5 किलो में से, वो तो हर कोटेदार कर दे। और अच्छा, आप लोगों ने पूछा नहीं कभी जैसे कि भाई क्यों कट कर रहे हो, क्या है, कहीं से कमीशन जाता है क्या आप लोगों का? कमीशन का वो तो कमीशन जब ऊपर वाले लेते हैं तो वो काटते हैं। अच्छा, और का ऊपर में एक जो है कमीशन चल रहा है, और क्या, वो कोटेदार बोलते हैं। अच्छा, तो ये जगह का पैसा देना पड़ेगा तो कोटेदार काटेंगे भाई। कोटेदार आप लोग जो है कमल खिलाने की तैयारी में है? हाँ, तो तैयारी में तो है कमल खिलाने के। क्या हाल है? ठीक है। कैसा माहौल है? देखिए, चुनाव का समय आ गया, फिर से बटन दबाने की तैयारी में है आप लोग 13 तारीख? हाँ बिल्कुल, हम तो शुरू से हैं। शुरू से हैं, जब से मोदी आए तब से हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए माहौल कैसा लग रहा है इस बार का, क्या लग रहा है? और ठीक चल रहा है मोदी का, मोदी जी का चल रहा है ठीक। हाँ। लेकिन लड़ाई तो योगी जी के लिए ही है अब इस बार। योगी का होगा? हाँ, योगी चला गए तो योगी जीत ही है, योगी जीत जाएंगे। योगी की, अच्छा, इस बार उन्होंने धर्मराज निषाद को उतारा है जो बसपा के खिलाड़ी रहे हैं पहले से। अच्छा। और इस बार धर्मराज निषाद जो हैं यहाँ से भाजपा की तरफ से हैं, और वर्मा जी जो हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी को
सपा ने उतारा है, तो लड़ाई किस में है, कौन जीत रहा है? सपा में उतारा, वो सपा वफा में कुछ नहीं जाएगी वो हाँ। उनके सभापति का होना उनके घर सभापति हाँ, मतलब पत्नी है उनकी हाँ, पत्नी है वो हाँ। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस बार इसे दौरा करना है हर बार हाँ। और अभी माहौल जो है क्या लग रहा है आपको कि माहौल ठीक है? माहौल ठीक है जोगी का, जोगी जी का ठीक चल रहा है, योजनाएं मिल रही है, काम काज सही चल रहा है उनका? हाँ हाँ बिल्कुल सही चल रहा सब। अच्छा अच्छा, कोई खामी भी हो तो बता दीजिए कैमरे पे, अगर कुछ तकलीफ दुख दर्द हो तो। अब ठीक दर्द क्या है, अगर देखिए कुछ तकलीफ भी है तो वो भी बता सकते हैं खुल के भाई, आप आम जनता है, आप वोट करेंगे तो आपका हक है ना बोलना। तकलीफ है शरीर है ना, तक शरीर काम नहीं काम करती है। बाकी सरकार से कुछ शिकायत उकायत है आपको? कोई शिकायत नहीं, सरकार तो हमारा वो है, योगी जी का काम बढ़िया चल रहा है। हाँ सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश का अवकारी है, अखिलेश का अवकारी है, अखिलेश अखिलेश हमारे माने कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ अखिलेश से इतना दुख दर्द बचा चा? अरे अब कहाँ दुख, कहाँ बता दी आपसे कि यही दुख बा है कुछ। जब राजनीति हम देखा था 81 साल का उम्र हो गया जब से सरकार चुनी गई है, देश आजाद हुआ है जी। पहले शुरू शुरू में कांग्रेस वोट जीता है 2 बैल के जोड़ी, शुरू शुरू में चुनाव जब देश आजाद भाई पहले चुनाव वहाँ तब के चुनाव बता रहे हैं, तब से कांग्रेस चली आई, कांग्रेस 2 बैल के जोड़ी चला, पंजा चला, तमान चला, बोला हाँ जब कांग्रेस रही तब रही, अब नहीं है कांग्रेस। मतलब ये राजनीति को आपने शुरू से देखा है और सब पता है? सब पता है, लेकिन ये है कि भरोसा है सरकार पर, योगी जी पर, और इसलिए आपके साथ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। परिवार वाले सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ सब ठीक सब ठीक। चलिए, तो ये हमने चाय की दुकान से जो है आम जनता से ओपिनियन जाना कि आखिरकार किस तरीके का कैसा माहौल चल रहा है। चलिए, बातचीत खत्म हो रही थी लेकिन एक भैया खड़े हो गए, युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? भरत राज राजभर। अभी क्या माहौल है? इस बार उपचुनाव है, 13 तारीख को मतदान है, 23 को नतीजे आएंगे, कटहरी पर भी सबकी नज़र है, अयोध्या से सटा हुआ है इसलिए भैया कटहरी और मिल्कीपुर बड़ी हॉट सीट बन गई है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार निषाद जी बाजी मारेंगे या फिर आपके वर्मा जी की पत्नी मारेंगे? जैसे माहौल सपा का और बसपा ये तो चल रहा है, लेकिन अंत में भाजपा ने अपना जो कैंडिडेट यहाँ से दिया है फिलहाल वो छोटे कास्ट के लिए उपयोग मतलब सटीक है, अच्छा है, इसलिए अब की बार कटहरी विधानसभा से यहाँ से भाजपा जीत सकती है, भाजपा जीत सकती है। और एक बात और बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे चाहे सपा की सरकार हो बसपा की सरकार हो, यही दो सरकारें या इस विधानसभा पे रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे भी गांव हैं जहाँ जहाँ पे अभी तक गाँव में रोड तक रोड की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ऐसे गाँव, यहाँ सरैया एक गाँव है, यहाँ इस गांव में आपको जाने के लिए अगर बरसात के मौसम में आते हैं पूरा चारों तरफ से पानी भर जाता है गांव के। हाँ, यहाँ तक अभी चाहे आज़ादी के 70 साल या 75 साल हो गए हों, लेकिन अभी गांव में जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे गांव हैं। तो हम चाहे जो जीते, चाहे सपा जीते, चाहे बसपा जीते या भाजपा जीते, मैं अपील करना चाहता हूँ कि आके ग्राउंड लेवल पर आके देखें और गाँव जाकर निरीक्षण करें और कम से कम मूलभूत जो आवश्यकता रास्ता की होती है कम से कम ये मुहैया कराने का। भरोसा है अगर प्रत्याशी बदलेगा या सरकार क्या प्रत्याशी खुद का होगा अपना यहाँ पर जीता हुआ तो कामकाज थोड़े और अच्छे होंगे? जैसा कि इस विधानसभा सीट पर बसपा और सपा ही थी अभी तक, मैं अभी तक तो बसपा और सपा थी और सरकारें भी उन्हीं की रही होंगी उस टाइम पर, लेकिन मौजूदा समय में भाजपा सरकार है और अगर हमको लगता है कि भाजपा का अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो ना कुछ तो ध्यान देने के देगा, इसलिए उनसे अपील है कृपया अगर आप जीत जाएं तो एक बार हमारे गांव में आके एक बार देख के उसका रास्ता निकालने का प्रयास करें जी। तो ये थी चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा और एक तरीके से कह लें तो चाय पर चर्चा। उपचुनाव का जो माहौल है वो हमने जानने की कोशिश की और यहाँ पर जो जनता है ज़्यादातर नज़र आई वो यही कह रही कि भाई मझे हुए खिलाड़ी को, अनुभवी खिलाड़ी को जो है उतारा है। और भाजपा के लोग यहाँ पे तारीफ इसलिए कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के कैंडिडेट के फैसले को लेकर के कि भाई प्रत्याशी जो भी उतारा उन्होंने वो मजबूत उतारा है, अच्छा उतारा है, लोगों के दिल में रहने वाले प्रत्याशी को उतारा है। और ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ पर 91 के बाद इस विधानसभा के उपचुनाव में जो है कुछ माहौल बन सकता है और ये सीट जो है उसके खाते में जा सकती है। फिलहाल ये तो खैर एक ओपिनियन है, सर्वे, असल में क्या कुछ होगा ये फिलहाल 13 तारीख को मतदान के समय पता चल जाएगा और बाकी जब नतीजे आएंगे
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, कटहरी विधानसभा, अम्बेडकर नगर।